हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, अभी हम थोड़ा सा मार्केट आए हुए हैं और घर से ब्लॉग बनाना भूल गए। कल रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, कल पहला रोज़ा है, तो उसके लिए तेल के, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ के सरसों से तेल फिर आ रहा है, वहाँ तेल गिर रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो उसी की तैयारी चल रही है, तैयारी में लगे हुए हैं और मार्केट आए हुए हैं। मार्केट में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो चलिए यहाँ से अब तेल लगभग फिर आ गया है। अब यहाँ से निकलेंगे हम सामान वामान और थोड़ा कल अफ्तारी और सहरी के लिए भी, क्योंकि आज तरावी है तो और सुबह में सहरी है, तो उसके लिए भी सामान लेना है, कल रोज़े के लिए भी सामान लेना है, क्योंकि पहला रोज़ा रहेगा और पहला रोज़े में आप लोग समझ लीजिए कि कहीं जाने की हिम्मत होगी नहीं, तो इसीलिए तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आ रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी आ गए, सामान इतना था सब ले ला करके, सामान भी ले लिया, तेल भी फिर आ गया है ना मोहम्मद, और ले करके आ गए। और अब टाइम हो चुका है कितना, टाइम हो चुका है 6:30। तो चला जाए, अब नहा लिया जाए और नहाने के बाद फिर आज तरावी है, आज पहली तरावी है, तो तरावी भी जाना पड़ने जाओगे ना, तरावी पढ़ने जाना है ना। हाँ जाना है, एकदम साथ में जाना। हाँ तो आज तो कल रोजा कौन रखेगा, सेरी मुटना है ना। हाँ, रखेंगे तो ये पहले रोजे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बन तीन रहा है, तीन रोजा रखोगे। हाँ, तीन। तो चलिए कल नहीं परसों फर्स्ट रोजे का व्लॉग है, तो परसों वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फट से नहा लेते हैं और नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कपड़ा वपड़ा पहन करके हो गए हैं रेडी और अब जा रहे हैं तरावी पढ़ने। अजान हो गई है तो तरावी पढ़ लेते हैं, तरावी पढ़ने के बाद फिर आएंगे, खाना पीना खाएंगे, क्योंकि अब तो सहरी में ही एक बार सहरी करके नमाज पढ़ के ही सोना है। तो चलिए चले जाते हैं नमाज पढ़ के, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, तरावी का टाइम हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से फिर। हाँ जी गाइस, तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि नमाज तो हो गई थी, उसके बाद घर पर आया, खाना पीना खाया, बट सोए नहीं, क्योंकि सोचा कि अब एक बार सहरी करके उसके बाद ही सोना है नमाज वमाज पढ़ के। तो चलिए अभी अब हमारी सहरी रेडी है, तो ये रमज़ान की, इस रमज़ान की पहली सहरी आप लोगों को दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारी रमज़ान की पहली सहरी है, ये आपको बकरखानी, खजूर और यहाँ पे आपको केला, तो सब रेडी है, बस इसको खाते हैं, खा करके भर फुल एक बोतल पानी है, उसके बाद फिर सो जाना है नमाज पढ़ करके। चलिए ऐसे ही आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मेरी सहरी हो चुकी है कंप्लीट, अब सहरी के लिए उठे हैं एक मोहम्मद। तो देख लीजिए, पूरी ज़बरदस्त गहरी नींद में है लड़का, और इसको उठाया गया है सहरी करने के लिए, क्योंकि पहली सहरी है और धमकी दे करके सोता था कि अगर हमको नहीं उठाइएगा तो कल हम फेल हो जाएंगे। इसकी धमकी एक ही धमकी होती है कि अगर हमको ये नहीं कीजिएगा तो हम फेल हो जाएंगे, तो यही बोला था कि नहीं उठाएगा तो फेल हो जाएंगे, इसीलिए इसको उठाया गया है। तो आपकी सहरी में क्या क्या है, क्या क्या है बताइए। बकर खानी नहीं, बकर खानी और खजूर। तो मोहम्मद की सहरी में बकर खानी है और खजूर है। तो चलिए मोहम्मद कंप्लीट कीजिए इसको, और उसके बाद फिर हम लोग कल मिलेंगे, अब है ना, टाटा कर दीजिए। तो भाई सहरी करने के बाद अब मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है, बाद में मैंने वॉइस डाला है, तो चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं फजर की, क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और फजर की नमाज़ के बाद जो दुआ मांगी जाती है, माशाल्लाह वो दुआ बहुत ही ज़्यादा कबूल होती है। तो आप लोग सहरी कीजिए और सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़े बिना मत सोइए, फजर की नमाज़ पढ़िए उसके बाद सोइए। हम बहुत छोटी सी चीज़ें ये चीज़ समझाने के लिए आप लोगों को, बट सुबह की नमाज़ पढ़ के और सोने में जो अच्छा लगता है ना, वो ऐसे ही सहरी करके ऐसे ही सो जाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग ज़रूर नमाज़ पढ़िए फजर की, और प्लीज़ वीडियो में नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया इसका गलत मतलब बिल्कुल ही मत निकालिएगा। तो भाई देख लीजिए राजा, आज देख लीजिए, यहाँ दुबई से आने के बाद तुरंत मसाज चालू हो गया राजा। लड़का कल आया दुबई से,
और दुबई से आने के बाद आज देख लीजिए लीपा पोती चालू हो गया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं दाढ़ी बनाने के लिए। कबड़ ने अभी हम लोग आए हुए हैं दाढ़ी बनाने के लिए। क्या कहना चाहते हो, दुबई से आके कैसा लग रहा है? अभी एक महीना परेशान रहेगा मेरे से। तो चलिए अब यहाँ से दाढ़ी बना करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो जैसा कि भाई आप लोगों ने देखा, उधर दाढ़ी बना रहे थे वहाँ सैलून में, तो दाढ़ी बना करके जस्ट अभी यहाँ पे आए हैं। और 6 बज गया है, 10 मिनट और बचा है अफ्तारी के लिए, और अफ्तार पूरी तरह से सज गया है, अफ्तार सज गया है पूरी तरह से। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आज के आइटम में क्या क्या है। तो चलिए आप लोग देखिए। हेलो गाइस, देख लीजिए ये सारा है। ये है काला वाला, क्या मोहम्मद? काला वाला अंगूर। काला अंगूर। ये है कोफ्ते का, मटन के कोफ्ते का ये। और उसके बाद इधर देख सकते हो केला, ये आलू, ये तरबूजा। तरबूजा नया आइटम है, पहली बार आ जाया है घर में। पिन खजूर, फुल्की, चना। तो ये आप लोग देख सकते हो ये पूरा आइटम है। और एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल गए, उधर लस्सी भी है ना मोहम्मद? तो चलिए अब हम लोग इसको फिनिश करते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। और अजान होने वाली है, अजान 5 मिनट में अजान हो जाएगी, तो जब तक दुआ मांग लेते हैं। और दुआ के मांगने के बाद फिर इसको अफ्तार करने के बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। अगर हिम्मत होगी तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो भाई अफ्तार के टाइम में भी दुआ मांगने की बहुत बड़ी फजीलत है, और ये दुआ बहुत कबूल होती है। तो अफ्तार से पहले 5 मिनट पहले आप लोग ज़रूर से ज़रूर दुआ मांगा करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। आपकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो भाई अफ्तारी करने के बाद ज़रा से भी सलाहियत नहीं बची थी अपने जान में कि हम वीडियो बनाते हैं। और अभी जस्ट तरावी पढ़ के अभी जस्ट आए हैं, 10:30 हो गया है। अब हिम्मत नहीं है, अब जा रहे हैं खाना खाने। और खाना खाने के बाद फिर आज सवेरे सो जाना है, उसके बाद आज उठ करके सैरी करना है। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। हिम्मत बोल दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बाय।